आज कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्जिलिक एसिड से कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में आने वाला है। तो ऑलरेडी मैंने 4 चैप्टर के पहले ही बता दिए हैं, सोल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कौन से क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस चैप्टर में बताने वाला हूँ एटलीस्ट एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। तो लगभग चांस है लगभग 95% का कि 4 मार्क्स का इन्हीं में से आएगा। तो सबसे पहले मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए और इसको अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको एक तो करना चाहिए 5, ठीक है। ये पूछा हुआ भी है क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, ठीक है। 5 में ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे आएंगे, इसमें से कोई भी दे देगा, 3 4 कोई भी दे देगा कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, इनके डेरिवेटिव्स के स्ट्रक्चर का एनसीईआरटी का सोल्यूशन आसानी से आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 आप एक्सरसाइज का अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये गुजरात बोर्ड में पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सेट कर लीजिए कि ये आपको करना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको करना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको अच्छे से आना चाहिए, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से आपने पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 9 10 11 अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, सोल्यूशन आपको आसान लगता है, जब आप सॉल्व करने जाते हो तो वहाँ पर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए इसको अभी भी टाइम है आपके पास तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और गुजरात बोर्ड में प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप 4 मार्क्स वाले चैप्टर पे फोकस करिए, ठीक है। पहले उनको कवर कर लिए, कौन से प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो 9 10 11 हो गया और एक मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको कर लेना चाहिए, टेस्ट है कि जैसे मान लीजिए प्रोपेनल है, प्रोपेनॉन है, किस तरह से आप टेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 13 भी मैं IMP में दूंगा, इसको भी आपको कर लेना है। उसके बाद आते हैं, देखिए नेम रिएक्शन तो आपको करना है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको करना है, इसमें नेम रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल एंड ये दोनों खासकर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसाइलेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट ये दोनों अभी मैं थोड़े से नेम रिएक्शन भी बताऊंगा, उनको भी याद कर लीजिएगा कि कौन से नेम रिएक्शन आपको करने हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन तो आने के चांस नहीं है, बट मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको बोलूँगा, ये भी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका MCQ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ये भी 4 मार्क्स में आ चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आपको 19 कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए मैं ये 19 क्वेश्चन, ये आपको लगभग 6 7 क्वेश्चन बताएं, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मतलब क्वेश्चन देखते ही आप इस तरह से प्रिपेयर कर लो, क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ ये यही क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से कुछ नेम रिएक्शन बताता हूँ, उनको भी प्रिपेयर कर ली, क्योंकि ये हो सकता है इससे चैप्टर से ऐसे भी आ जाए कि नेम रिएक्शन दो, जैसे बोल दे एक्सप्लेन एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, या फिर और भी रिएक्शन है इस चैप्टर में, बहुत सारे नेम रिएक्शन है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग को चैप्टर ले चलता हूँ आपको और बताता हूँ कौन से नेम रिएक्शन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में, क्योंकि इसमें MCQ भी आते हैं, ठीक है। और अगर आप गुजरात बोर्ड में पास होने का सोच रहे हो तो एटलीस्ट आपको सब्जेक्टिव में 20 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे तो ही आप निकल सकते हो, ठीक है। MCQ के भरोसे आप नहीं जा सकते,
देखिए नेम रिएक्शन कौन कौन से है, एक तो रोजनमोंड है, इसको प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेफन स्टेफन रिएक्शन, ये भी है, स्टेफन रिएक्शन आपका ये है, इसको भी प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आएगा नेम रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। नेम रिएक्शन तो आप अच्छे से कर लीजिए, वैसे मैंने इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए हुए हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद गटर मैन कोच रिएक्शन, ये सब क्या आते हैं, एमसीक्यू में और सब्जेक्टिव दोनों में आ सकते हैं। उसके बाद आ जाइए आप आगे, फ्राइडल कॉफ एसाइलेशन, ये तो नहीं आने के चांस है। और अगर आपके पास टाइम हो तो इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन भी आप कर लिया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है, यहाँ पर आगे देखिए, उल्फ किस्नर एंड, ये भी आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ है, उल्फ किस्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन, ये वाला भी आप टॉपिक प्रिपेयर कर लेंगे। ये सब जितने भी मैं बता रहा हूँ सब नेम रिएक्शन है। उसके बाद ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी थ्योरेटिकल में आते हैं, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। तो इनका स्टेटमेंट है, आप इनका रिएक्शन याद करिए और इनका स्टेटमेंट आप इन्हीं से बना लीजिए। तो ये दोनों आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने, टॉलेंस टेस्ट एंड फेलिंग टेस्ट। उसके बाद ये हेलो फॉर्म रिएक्शन, ठीक है, हेलो फॉर्म रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन ही है, कंपटीशन में भी आते हैं। और एक चीज़ और मैं 4 मार्क्स में जो बोलने वाला था, ये एग्जाम्पल नंबर 12.4, ये भी आप कर लीजिएगा, ये भी 4 मार्क्स में बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए ये एल्डोल क्रॉस एल्डोल, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी भी टिक करवाया कि एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल आप प्रिपेयर कर लीजिए। और कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ये है क्रॉस एल्डोल, ठीक है। अगर इसमें आपको डाउट है, समझना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन का एक प्लेलिस्ट है, आप सर्च करिए, तो इसमें सारे नेम रिएक्शन को मैंने डिटेल में अच्छे से कराया, ये है कैनिजारो रिएक्शन, तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट रिएक्शन होगा हेल होल हार्ट जिलेंसकी रिएक्शन, ठीक है, एकदम लास्ट में, ठीक है। ये सब तो नेम रिएक्शन है नहीं, आपके पास टाइम कम है क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो आप एटलीस्ट ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। लास्ट में एक रिएक्शन है, दिखाता हूँ मैं कौन सा रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये रिएक्शन की हम बात कर रहे थे, हेल होल हार्ट जिलेंसकी रिएक्शन। खासियत ये है कि अल्फा पोजीशन पे क्या आता है, यहाँ पर हेलोजन को इंट्रोड्यूस कराते हैं इस रिएक्शन से, ठीक है। तो इतने अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगभग चांस है 95% कि आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड से नहीं छूटने वाला है, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।